आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। टीचर ने अपनी बेटी की उम्र की बराबर की छात्रा को झांसे में लेकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया। टीचर छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा, जबकि टीचर पहले से ही शादीशुदा है। खिलचीपुर थाने में आरोपी टीचर पर पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी टीचर को गिरफ्तार भी कर दिया गया। खिलचीपुर थाना अंतर्गत एक रिपोर्ट आई थी थाने पर कि उनकी एक परिजन का कहना यह था कि उनकी लड़की स्कूल का खेकर गई थी और घर पर वापस नहीं आई है। चूँकि लड़की नाबालिग थी तो 363 अपहरण प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था अज्ञात व्यक्ति विरुद्ध, और नाबालिग बालिका है उसके परिजन द्वारा एक स्कूल टीचर पर ही संदेह जाहिर किया गया था कि उक्त टीचर उनकी लड़की से बातचीत करता है और संभावना है उसने ही लड़की को भगाया हो। टीचर को थाने पर बुलाया गया था और उसके थोड़ी देर बाद वो लड़की भी आ गई थी थाने पर। तो लड़की ने बताया कि वो उससे प्रेम करती है और उससे शादी वादी करेंगे वो लोग। अब चूँकि लड़की नाबालिग थी तो लड़की ने ये बताया कि उनके बीच संबंध भी काफ़ी बार बन गए हैं। तो लड़की के बयान और घर वालों के बयान पर से प्रकरण में 366 376 और लड़की चूँकि SC वर्ग की थी तो SC ST एक्ट और पॉस्को के प्रकरण धारा बढ़ाकर आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में किडनैपिंग के मामले में बड़ा अपडेट है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग की संभावना जताई है। भिंड के लड़के को माना है संदिग्ध। कुछ महीने पहले लड़के के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR। SP का बयान है छात्रा की। हाँ, इसमें करीबन ये सुबह की आज की घटना है और इसमें जो भी परिजनों से बात की है तो ये लोग मूलतः भिंड के रहने वाले हैं जो परिजन हैं, और वहाँ से ही आए थे, बस स्टैंड पर उतरे हैं और फिर ये मोटरसाइकिल पर दो लड़के जो है इसको लड़की को लेके गए। उनको शंका भी उस पर है क्योंकि कुछ दिनों पहले शायद उनके गाँव में भी एक लड़का जो है प्रेम प्रसंग के चलते उनके यहाँ आया था और उसके पे भी कोई प्रकरण पंजीबद्ध कराया था, तो हम लोग उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके इनकी तलाश करवा रहे हैं और शीघ्र इनको पकड़ें। बुरहानपुर से खबर है, जहां रात के दौरान चेहरे पर बाइक के हैंड लैंप की रोशनी गिरने से गुस्साए चार युवकों ने पीट पीट कर मोटरसाइकिल चालक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के चार दिन बाद चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के भावसा का, जहां मेथा गांव के चारों आरोपियों ने रात के दौरान मोटरसाइकिल से आ रहे युवक शुभम राजपूत से मारपीट की थी। शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने तत्काल आरोपियों को हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बीते दिनों भावसा में एक किसान परिवार का लड़का था, वो वहाँ अपने खेत में गया था मेथा, और वापस आते समय गाड़ी की लाइट चेहरे पे पड़ने की बात पर से लेके मेथा के लोगों से उसका विवाद हो गया था। उन लोगों ने मारपीट की थी जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई थी और एक लड़का घायल हो गया था। जिस लड़के की मृत्यु हो गई थी उसमें 302 केस हमने रजिस्टर किया है और आज उसमें आरोपी जगदीश, शिव कुमार, शांतिलाल और गोरेलाल, इन चार लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उसमें इनके खिलाफ एविडेंस मिल गए हैं और इनको हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। नीमच में दो पक्षों में विवाद हो गया, रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच खूब लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। रास्ते को लेकर विवाद हुआ और दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जबरदस्त मारपीट हुई, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसा दिए दो पक्षों के लोगों ने। कई लोगों को चोटें आई हैं, 8 लोग गंभीर घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। सिरखेड़ा की घटना, नीमच के सिरखेड़ा की ये घटना है जहां दो पक्ष रास्ते को लेकर आपस में भिड़ गए। जबलपुर में चाटा मारने के विवाद में हत्या हो गई है। युवक पर कुछ लोगों ने हमला किया था, हमले में घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मुख्य आरोपी फरार है, तलाश जारी है। कस ही गांव की यह घटना बताई जा रही है। जबलपुर में चाटा मारने के मामूली विवाद पर एक परिवार के 5 लोगों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना पनागर के कसी गांव की,
जहां के रहने वाले सौरभ श्रीपाल का जीतू भूमिया से किसी बात पर विवाद हो गया और सौरभ ने जीतू को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जीतू गाली गलौज करते हुए वहां से चला गया और घर जाकर परिवार के सदस्यों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पूरा परिवार चाकू लेकर पहुंचा और मारपीट की। चाकू के हमले में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे पनागढ़ स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। भिंड से खबर, अटेर विधानसभा में कल दोबारा मतदान होना है। अटेर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा दोबारा कल। किशुपुरा में कल फिर से मतदान होगा, कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से मतदान किया जाएगा। वीडियो सामने आने से हड़कंप मचा था, मतदान में गड़बड़ी का वीडियो सामने आया था। बीजेपी उम्मीदवार ने मांग की थी, मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने मांग की थी फिर से मतदान कराने की। किशुपुरा मतदान केंद्र 71 पर दोबारा मतदान होगा। प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो पीड़ित कांग्रेसी परिवारों कार्यकर्ताओं से मिलने का काम भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह सागर के केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां सुर्खी विधानसभा के कांग्रेस नेता राजकुमार धनौरा से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजकुमार धनौरा के साथ गोविंद सिंह राजपूत ने बहुत अन्याय किया, निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाया। हमारी पूरी सहानुभूति उसके और उसके परिवार के साथ है। सुर्खी खुरई गहरी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि इस धोखे में न रहें, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 130 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। राजकुमार धनौरा के साथ गोविंद राजपूत ने बहुत अन्याय किया है, निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है। हमारी पूरी सहानुभूति उसके और उसके परिवार के साथ है। कमलनाथ के द्वारा अधिकारियों को धमकी दिए जाने पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रुख रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की धमकी वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अभी से अपने हार का बहाना तैयार कर रही है, इसलिए कमलनाथ इस तरह के बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस और कमलनाथ अपनी प्रत्याशित हार की पटकथा पहले से लिख रहे हैं कि इसका दोषारोपण किसको दिया जाए। दूसरा, वो कुछ समय के लिए दिल बहला रहे हैं क्योंकि ये दिल बहलाते बहलाते कुछ समय तो बीतेगा ही और चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश छोड़ के जाना ही है। तो ये दोनों कारणों से कमलनाथ जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। वही मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि अगर किसी भी तरह का पक्षपात किसी भी सरकारी कर्मचारी ने किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर कहीं कुछ विधानसभाओं मत प्रतिशत गिरा है तो ये चिंता का विषय है। क्या जनता का भरोसा इस मौजूदा सरकार के ऊपर से उठ गया था? क्या वो वोट डालने नहीं गए हैं वहां पे बड़ी संख्या में, या क्या वो मंत्रियों की विधानसभाएं हैं तो मंत्रियों के खिलाफ जो आक्रोश था जनता में किसी तरह से दबाव डाल के रोका गया है लोगों को वोट डालने से? ये बड़ा चिंता का विषय है। और अब नई सरकार आने वाली है, नया सवेरा आने वाला है, मध्य प्रदेश में जनता का भरोसा भी जीतेंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे जो जनता को उनके अधिकार से वंचित करते हैं, क्योंकि ये अब मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और इस परिवर्तन की लहर में वो मंत्री बहुत सारी बड़ी संख्या में चुनाव हारने वाले हैं जो कहीं ना कहीं जनता की नजरों से उतर गए। कमलनाथ का बयान अपनी जगह है। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, तब तस्वीर साफ होगी। सत्ता बीजेपी के पास रहेगी या कांग्रेस को सिंहासन मिलेगा, तब तक दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। नर्मदापुरम में मतदान के बाद अब उम्मीदवारों को रिजल्ट के साथ ईवीएम की चिंता भी सता रही है। दरअसल मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी है, कैद कर दी है, जो 3 दिसंबर को अनलॉक होगी। इस दौरान ईवीएम स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के साथ रखी गई है, लेकिन उम्मीदवार और उनके समर्थक कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए
पुलिस के साथ खुद भी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रॉन्ग रूम की 3 लेयर प्रोटेक्शन है, जिसमें प्रथम लेयर जो इंटीरियर है वो ITBP का हाफ सेक्शन डिप्लॉयड है और द्वितीय लेयर पर SAF है जो कि प्रति शिफ्ट हाफ सेक्शन डिप्लॉयड है, और उसके बाहर तृतीय शिफ्ट है जो जिला बल से है जिसमें करीबन अराउंड द क्लॉक एक टाइम पे 10 जवान उपस्थित रहते हैं। हाँ, प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, कैमरे भी लगाए गए हैं, हम लोग कैमरे में यहाँ बैठे बैठे दिन भर देखते रहते हैं यही सब चीज़ें, क्योंकि मतलब गिनती 3 तारीख को होगी तो उससे पहले हम लोगों को ये सुरक्षा के मद्देनजर हम लोगों को ये भी देखना है कि यहाँ कोई गड़बड़ी ना हो पाए। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में कौन सरताज बनेगा और किसके सिर जीत का ताज सजेगा, ये 3 दिसंबर को नतीजों के साथ साफ होगा। लेकिन उससे पहले सामने आए वोटिंग के आंकड़ों ने बीजेपी कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के साथ ही 2533 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो गई है। अब इंतजार नतीजों का है, जनता ने किसे दुलारा और किसे नकारा, किसके दावे दम दिखाएंगे और किसके वादों पर मोहर लगेगी, सूबे में कमल की बहार आएगी या हाथ को जनता का साथ मिलेगा, प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा में कौन होगा पास और किसकी अधूरी रहेगी आस, सवाल कई है जिनका जवाब 3 दिसंबर को मिलेगा जब EVM खुलेगी और पता चलेगा कि सत्ता की रेस में किसे हासिल हुआ है जनादेश। लेकिन नतीजों से पहले ही वोटिंग के ट्रेंड ने टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन 50 सीटों पर वोटिंग घटी है जिनमें 9 मंत्रियों की सीटें भी शामिल हैं। मंत्री विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, भूपेंद्र सिंह, उषा ठाकुर, तुलसी सिलावट, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रेम सिंह पटेल, राम खिलावन पटेल और मीना सिंह की सीट पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से घटा है। इसके अलावा चुनावी मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पर भी 1% कम वोटिंग दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी के 28 और कांग्रेस के 20 विधायकों की सीट पर भी पिछली बार के मुकाबले जनता ने कम मतदान किया। BSP और एक निर्दलीय विधायक की सीट पर भी कम वोट पड़े हैं। वहीं आदिवासी वोटर्स ने भी इस बार राजनीतिक दलों की गुणागणित को फेल कर दिया है। 23 के रण में आदिवासी वोटर्स ने जमकर वोट डाले। आदिवासी वर्ग वाले इलाकों में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं जहां बंपर वोटिंग हुई है। आदिवासी बाहुल्य शहडोल, रतलाम, डिंडौरी, अनूपपुर और धार में 85-90% वोट पड़े। शहडोल का एक गांव चंदनिया खुर्द तो ऐसा रहा जहां 99.7% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। वोटिंग के इस नए ट्रेंड ने सबको चौंका दिया है। कम वोटिंग का असर क्या होगा, किसका नफा किसका नुकसान होगा, 3 दिसंबर को किसके कितने नंबर आएंगे ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन वोटिंग के आंकड़ों ने बीजेपी कांग्रेस की धड़कनों को बढ़ा दिया है, साथ ही दिग्गजों को भी बेचैन जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जबलपुर में मतदान खत्म होने के बाद आरोपों और शिकायतों का दौर जारी है। ताजा मामला जबलपुर की पनागर विधानसभा का है जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी सुशील इंदु तिवारी और उनके समर्थकों पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। SP आदित्य प्रताप सिंह को सौंपी लिखित शिकायत में उन्होंने बताया कि 16 और 17 नवंबर की दरमियानी रात पनागर विधानसभा में के मलई क्षेत्र में कुछ युवकों ने दाऊ पटेल नामक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ जमकर मारपीट की थी। दिग्विजय सिंह ने राजनगर के बाद सागर के रहली पहुंचकर सियासी तापमान को बढ़ा दिया। मामला रहली से कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर हमले से जुड़ा हुआ है। वहीं रहली से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति पटेल ने हमले का आरोप बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री गोपाल भार्गव पर लगाया है। हालांकि भार्गव ने हमले को नौटंकी बताया।
सागर जिले के रहली विधानसभा के गड़ाकोटा में हुए बवाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता अर्जुन सिंह ठाकुर के घर में हुई तोड़फोड़ घटना की जानकारी ली और रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं के साथ दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा थाना पहुंचे, एडिशनल एसपी से जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। वाकई में सुनियोजित षड्यंत्र था और उन लोगों से वहाँ तक ये क्राइम अपराध कराया गया जिनका की फरियादी से कोई लेना देना नहीं था। छह लोग नामजद हैं, बाकी 17 से अज्ञात हैं, उनकी पहचान की जा रही है, नए साक्ष्य जो आए हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार और शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं रैली के कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति पटेल ने हमले का आरोपी बीजेपी उम्मीदवार गोपाल भार्गव पर लगाया। वहीं गोपाल भार्गव ने मामले को लेकर सफाई दी थी और हमले को नौटंकी बताया था। कांग्रेस उम्मीदवार के घर फायरिंग और वाहन में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर राजनीति गर्मा गई है। वोटिंग के दिन 17 नवंबर को कांग्रेस पार्षद सलमान खान की गाड़ियों से कुचलकर हत्या के मामले में पूरे सूबे की सियासत में उबाल है। अब इस मामले में बीजेपी नेताओं के बाद कांग्रेसियों पर भी मामला दर्ज हुआ। तो छतरपुर का राजनगर इन दिनों सियासत का नया अखाड़ा है। छतरपुर के युवा मोर्चा अध्यक्ष धीरज चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा समेत 12 पर नामजद और 15 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया है। मामला तब और गर्मा गया जब सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छतरपुर कलेक्टर और एसपी से न सिर्फ मिले बल्कि ज्ञापन भी दिया। आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक नाती राजा ने अपने ही ड्राइवर की बलि दी है। हमने आज सबको प्रशासनिक अधिकारियों को आज कार्रवाई की मांग की है। ये जो पूरा घटनाक्रम फर्जी एफआईआर हुई है इसकी पूरी जांच हो। केंद्रीय नेतृत्व ने भी सर संज्ञान लिया है। संज्ञान में लिया है। वीडी शर्मा इतने पर ही नहीं रुके, नाती राजा पर राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम भाई की हत्या का आरोप लगाया तो दिग्विजय के लिए बोले कि उन्होंने यहां आकर माहौल बिगाड़ा है। इधर राजनगर चुनावी हिंसा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया के गर्मी लगातार बढ़ा रहा है जिसमें गाड़ियों का काफिला और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। मतदान की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। हत्या के मामले में इससे पहले सियासी ताप को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बढ़ा चुके हैं। जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से तो वो न निकाल के उन्होंने चढ़ा दी। बड़ी उनको सलमान ने इनको धक्का दे के गाड़ी में रखा और खुद बेचारा शहीद हो गया। सलमान की हत्या को शहादत बताते हुए दिग्विजय सिंह ने यहां करीब 20 घंटे तक खजुराहो थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत 20 लोगों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया था जो फिलहाल फरार हैं। सलमान का हत्यारा कौन है इसके लिए पड़ताल जारी है। T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से सीरीज शुरू हो रही है T20 सीरीज। उसके लिए सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाए गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान बनाए गए हैं। 5 मैचों की T20 सीरीज होगी। विशाखापट्टनम में पहला मुकाबला खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव हैं कप्तान, ऋतुराज उप कप्तान, ईशान किशन हैं, यशस्वी जायसवाल भी हैं इस टीम में, तिलक वर्मा को मौका मिला है, रिंकू सिंह भी इस टीम में नजर आएंगे, जितेश शर्मा विकेट कीपर बने हैं इस टीम के, वॉशिंगटन सुंदर होंगे, अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे, रवि विश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, मुकेश कुमार को मौका मिला है। श्रेयस अय्यर रायपुर और बेंगलुरु में आखिरी 2 T20 के लिए उप कप्तान के रूप में टीम में शामिल होंगे। तो T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से ये सीरीज शुरू होगी। उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव इस टीम के कैप्टन हैं, ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान बनाए गए हैं, ईशान किशन हमें नजर आएंगे इस टीम में, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि विश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, मुकेश कुमार।
तो पूरे युवा हमें नजर आने वाले हैं इस भारतीय टीम में टी20 सीरीज में। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकी देने वाले बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी हुई हमलावर, कहा कांग्रेस अपनी हार का बहाना तैयार कर रही। सागर की रैली, विधानसभा के गढ़ाकोटा पहुंचे दिग्विजय, गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं के साथ गढ़ाकोटा थाना पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। छतरपुर में राजनगर चुनावी हिंसा।